अस्सलामुअलैकुम हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अहमद फ्रॉम कोहिनूर रतन परफ्यूम। होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो आज हम आपके सामने हाजिर हैं और एक नए टॉपिक के साथ। और गाइस अगर आप इस चैनल पर न्यू है सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। इस चैनल में आपको सारी जो है परफ्यूम रिलेटेड नॉलेज और परफ्यूम अतर इनके सारे आपको रिव्यू यहाँ पे मिलते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। आज का जो वीडियो है विच इज़ बेस्ड ऑन अ वेरी कॉमन एक सवाल लोगों के मन में आता है, क्या परफ्यूम एक्सपायर होते हैं? जो परफ्यूम आप यूज़ करते हैं, अतर की बात मैं नो डाउट कंटिन्यू करने में करूँगा, क्या परफ्यूम हम जो यूज़ करते हैं वो एक्सपायर होते हैं? जैसे कि आज मैं आपको मेरे 2-4 काफ़ी परफ्यूम बताऊँगा जो कि एक तो है जो रिसेंटली एक्सपायर हुए और आई गेस एक जो है वो आई एम श्योर अबाउट इट, वो मार्च 2010 का परफ्यूम, मतलब उसको ऑलमोस्ट 1 डिकेड हो चुका है, 10 साल पुराना परफ्यूम। सो हाउ डज इट स्मेल, किस तरीके से खुशबू उसकी आती है और क्या होता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग परफ्यूम की, एक्सपायरी डेट किसको कहते हैं, किस तरीके से हर अलग अलग किस्म में वो जो है डिफाइन किया होता है, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट गाइस। पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक रिसेंटली एक्सपायर परफ्यूम मेरा विच इज़ डेविडॉफ कूल वाटर। अमेजिंग परफ्यूम डेविडॉफ कूल वाटर की तो किसी की कोई मतलब आपको जो है वो सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ वेरी गुड, अमेजिंग। और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, दिस इज विजिबल। तो गाइस ये जो आपको दिख रहा है, ये 10 लोगो जो बना हुआ है ढक्कन ओपन टॉप का, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब होता है कि एक परफ्यूम जब आप परचेस करोगे, जो आप इस तरीके की परफ्यूम देखोगे ना, इस पर आपको मेनली ये सारी चीज़ें कहीं आपको लिख करके नहीं आएगा एक्सपायरी डेट कब है क्या है। इस पर लिखा रहेगा 36M, 12M, 60M इस तरीके से लिखा हुआ आता है। और एक मतलब टिन जैसा डब्बा बना हुआ रहता है, उसको ओपन रहता है। उसका मतलब क्या होता है कि जब कभी आप परफ्यूम को ओपन करोगे, आपने बॉटल पैकिंग खोली उसकी, परफ्यूम आपने ओपन कर लिया, उस ओपनिंग डेट से 36 मंथ, जैसे इसके ऊपर लिखा है 36, तो वो उसका मतलब होता है कि 36 मंथ तक ये परफ्यूम जो आपका है वो एक्सपायर नहीं होगा। दिस विल बी वेरी वेल टू यूज, करेक्ट। अब ये परफ्यूम तो जाहिर सी बात एक्सपायर हो चुका है, तो हाउ डज इट स्मेल, लेट्स टेस्ट। सच बोलूं, सीरियसली इन फैक्ट जरा बराबर फर्क नहीं है। एंड द रीजन बिहाइंड इट मैं आपको साथ साथ वही बताया था, क्या उसकी खास वजह है। कोई भी परफ्यूम ब्रांड होता है, जैसे बात है एक दुकानदार होता है या कोई भी अपनी चीज़ सेल करेगा, तो जैसे बात है एक बोतल एक पैकेट तो सेल करना है नहीं। रेगुलर चाहते हैं कि हर कस्टमर उसका यूज़ करते रहे, उसको और कंपैरेटिवली यूज़ करते रहे, सॉरी रेगुलरली यूज़ करते रहे। तो कैसा होता है, इनके ऊपर एक जो स्पेसिफिक डेट लिख देती है 36 मंथ, 50 मंथ, 60 मंथ, वो सिर्फ होती है उसको प्रिजर्व करके या तो एक नॉर्मल यूज़ के लिए। अगर आपका परफ्यूम या आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, आपका पर्टिकुलर परफ्यूम है, उसको अगर आप सही तरीके से प्रिजर्व कर रखो तो यकीन माने वो काफ़ी टाइम तक चलता है। बेसिक चीज़ क्या होती है, सबसे पहली चीज़ कि उसका जो कंटेनर है जिसमें है वो ग्लास का हो या तो एल्यूमिनियम बेस्ड हो। प्लास्टिक वाले जो भी चीज़ हो गए, प्लास्टिक कंटेंट जो भी परफ्यूम हो गए, दैट विल किल योर परफ्यूम। और जितना उसके ऊपर डेट लिखा रहता है उससे पहले ख़राब हो जाता है। कभी आप ट्राई कर लेना, हल्का विनेगर जैसे आपको परफ्यूम में कुछ बहने लगे, मतलब समझिए उस परफ्यूम को जो है वो खत्म हो गया। सेकेंड थिंग, परफ्यूम विदाउट उसके ढक्कन के बिना अगर आप उसको छोड़ दोगे इस तरीके से, स्लोली ग्रेजुअली अंदर उसके वैक्यूम ज़्यादा कि एयर जमा होने लगेगा और स्लोली ग्रेजुअली आपका परफ्यूम ऑयल जो है जूस अंदर से खराब होना शुरू हो जाएगा। थर्ड थिंग, डायरेक्ट लाइट, और सबसे ज़्यादा खतरनाक डायरेक्ट सनलाइट। ये चीज़ आप अवॉइड करिए और इसको कोई भी आप कबर्ड वगैरह में एक ऐसी सेफ जगह रखिए जहाँ पर ये कोल्ड रहे, ज़्यादा हीट इसको ना मिले और ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो कि मतलब धूप से निकल रहा है फिर छाँव में जा रहा है, छाँव से निकल रहा है धूप में जा रहा है, ऐसा नहीं। कोई सेफ जगह पर रखिए, यकीन मानिए योर परफ्यूम कैन लास्ट फॉर डिकेड्स, कोई इश्यू नहीं आएगा, कोई प्रकार का आपको उसकी दिक्कत या आपको परेशानी नहीं होगी। उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया उसमें एक्सपायरी डेट जो उसका 36 मंथ का था, सिमिलर फॉर फैशन में देखिए अभी जो काफ़ी परफ्यूम ऐसे आते हैं, लेमन चॉकलेट मस्क, इसमें लिखा हुआ है कि कभी इधर आपको दी जाएगा इसका पैकेज डेट 2019 का पैकेजिंग है और 2024 में फेब में एक्सपायर हो रहा है। तो ऐसा इसके ऊपर यहाँ पर ये स्पेसिफिक डेट के साथ काफ़ी परफ्यूम अभी जो लॉन्च होते हैं और काफ़ी आपको मेनली जो इंटरनेशनल ब्रांड्स के परफ्यूम आपको मिलेंगे ज़्यादातर आपको इस तरीके से, उसमें 36M, 12M, 24M उस तरीके से लेकर आएगा, वो मंथ होते हैं। और जैसे मैं आपको बता रहा था, ये दिस आर दी इनिशियल टाइम जब हमने शॉप ओपन करी थी तब भी के टाइम के 2 परफ्यूम है। AGN का स्प्रिंग है और ये कोई CLS, तभी एजिंग के साथ CLS भी काफ़ी ब्रांड, अभी भी CLS के अभी परफ्यूम आते हैं, CLS का रेड बुल। सो लेट्स टेस्ट दिस। एलियन गन कब तक याद है, इसका जो बॉटल इज वेरी क्यूट। इसका दो था, एक छोटा साइज था ये जैसा कि 30 ml 40 ml का, और एक 100 ml का बॉटल था। तो ये मतलब कभी कभार हो जाता है ना, कुछ चीज आपकी साइड में रहते कॉर्नर में चली जाती, फिर वो वक्त के साथ इतिहास में निकलती, तो वो चीज़ है। बॉटल पैकेजिंग इज वेरी क्यूट लुकिंग बॉटल। और ये डिकेड 10 साल पुराना है, मतलब मार्च जुलाई अगस्त चल रहा है, 10 साल से ज़्यादा पुरानी परफ्यूम है। एंड हाउ डज इट स्मेल देख लेते हैं। स्टिल द सेम यस, एक्चुअली फ्रेंकली स्टिल द सेम। परफ्यूम में कोई आपको ऑयल में कोई चेंजेस नहीं आया हुआ है। दिस इज दिस। और ये रेड बुल तभी आई गेस मैंने वीडियो बनाने के बाद अप्लाई करके सूंघा भी हुआ है। स्टिल दैट स्वीटनेस मतलब इसकी जहन में मेरे खुशबू बसी हुई थी रेड बुल की, या कूल वाटर लगा हुआ था। स्टिल दैट स्वीटनेस और डेलिकेट, जिसमें हल्का मतलब रेड बुल नाम दिया हुआ पर बहुत ही जेंटल सा स्वीट सा फ्रेगनेंस बनाया हुआ है। मतलब एक मतलब रेड बुल है, पता नहीं है, लेडी जैसा फ्रेगनेंस, थोड़ा हल्का टेस्ट होता है, मतलब लेडी जैसा हल्का एक लवेंडरी खुशबू आप कह सकते हैं ना, लवेंडरी वेलवेटी फ्रेगनेंस, वैसी जैसे यार्डली वगैरह के काफ़ी होते हैं। सो गाइस, ये चीज़ मेरा एक इस वीडियो बनाने का मोटिव था। काफ़ी लोगों के मन में सवाल आते हैं कि कैसा होता है, ख़राब होता है, नहीं होता है। सो नथिंग टू वरी, इफ़ यू प्रिजर्व योर परफ्यूम वेल, आप अगर आपकी चीज़ों के ख्याल रखोगे तो चीज़ें आपके ख्याल रखेगी, विच इज़ लॉ ऑफ नेचर। तो कभी भी आप आपके जो भी चीज़ें उसको प्रिजर्व कर रखोगे, दिस इज माई पर्सपेक्टिव। मैं आपको बात करूँ परफ्यूम के रिगार्डिंग, प्लीज उसको हर जगह एप्लीकेबल ना करें। This is regarding the perfumes, उसका अगर तरीके से प्रिजर्व कर रखोगे, अच्छे से रखोगे, सनलाइट डायरेक्ट इंट्रैक्शन सनलाइट से हटा के रखोगे, उसको प्रॉपर उसका ढक्कन लगा के रखोगे, टॉप लगा के रखोगे, नो वरी, आपका जो है वो परफ्यूम काफ़ी ज़्यादा लास्ट करेगा, एक्सपेक्टेड से ज़्यादा लास्ट करेगा। सो होप दिस वीडियो वाज गुड, आपको पसंद आएगा गाइस, सो प्लीज़ कमेंट में रिप्लाई करना। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट गाइस। काफ़ी आपके अच्छे रिप्लाईज आ रहे हैं, काफ़ी व्यू आ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे जो है वो कंटेंट लोगों को पसंद आ रहे हैं। एंड आई ट्राई टू कम अप विथ मोर वीडियोज़, काफ़ी सजेस्टेड वीडियोज़ है गाइस, आप फिक्र मत करिएगा। अपकमिंग टाइम में आप देखोगे कि वो जल्दी आएंगे, मैं उसको टाइम टू टाइम शेड्यूल कर रहा हूँ उस हिसाब से। तो इंशाल्लाह अपकमिंग टाइम में काफ़ी आपको वीडियोस आएंगे। अगर और भी कोई वीडियो आपके सजेशन है, प्लीज़ आप बिना झिझक के जो है कमेंट में, या तो सजेशन फॉर्म लिंक में अवेलेबल है, वहाँ पे आप डाल दीजिएगा। साथ साथ यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा हमारा इंस्टा पेज और फेसबुक पेज, दोनों आप जाकर DM भी कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो गाइस, दिस वाज अबाउट ऑल दिस। एक छोटी सी एक क्वेश्चन और क्वेरी के डू परफ्यूम एक्सपायर्स, सो दिस वाज। और अतर के बारे में सॉरी मैं बोल रहा था, थैंक यू। अतर जो है आप उसको कई साल तक रखो, खाली अवॉइड करेगा उसमें पानी ना जाए। साथ साथ सेम चीज़ प्लास्टिक पे उसको मत रखिएगा, ग्लास में रखिए। मेरे पास अतर काफ़ी पुराने अतर है, विच इज़ कैप्चन डिकेट्स। आपको थोड़े वो गाढ़े से लग जाएंगे, थोड़े डेंस हो जाएंगे, दैट इज़ ड्यू टू वेपोराइजेशन हो सकता है, काफ़ी चीज़ें हो सकता है, लेकिन वो एक्सपायर नहीं होगा। लेकिन कभी भी उसको अगर आप सूंघ रहे हो, सूंघने में एक ऑड कैसे मैं आपको ऑड खुशबू बताऊँ, उसकी सॉक्स के जैसे थोड़ी खुशबू अगर मैं बेटर रहेगा, सॉक्स जैसे और जैसे अगर खुशबू आ रही है तो उसको मत करिए, वो ख़राब होगा। उसमें पॉसिबिलिटी है कि कोई आपका हल्का पानी चले जा चुका है, या तो डायरेक्ट सनलाइट इंट्रैक्शन हो चुका है, या तो उसके अंदर एयर वैक्यूम में एयर बबल हो चुका है, तो वो आप अवॉइड करिएगा। नहीं तो अगर आपकी खुशबू आप जो यूज़ करते हो काफ़ी टाइम से, वो आपकी नाक उसको अच्छे से पहचान लेती है। सो अगर आपको कंसिस्टेंट मिले, यू कैन यूज़ इट विदाउट एनी इशू। सो होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। टिल द टाइम गाइस, टेक केयर, and please don't forget to like and subscribe. Allah Hafiz.